नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई। इस फिल्म को लेकर रोज कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में फिल्म की कहानी लीक हो गई थी। इससे पहले आमिर खान को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। कंगना रनौत ने तो इस फिल्म के खिलाफ चल रही खबरों पर बेहद अजीब बयान दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि ये सब आमिर खान खुद पर कर रहे। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, जिससे आमिर खान और फिल्म के मेकर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फिल्म के मेकर्स पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा के लिए ट्रोल्स को हायर किया है और उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर फिल्म के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने अपनी राय रखी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। इस पोस्ट में अद्वैत अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है, बोला जा रहा है कि मैंने आमिर सर को ट्रोल करने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। मेरे लिए इस बात को सुनना किसी दुख से कम नहीं और ये बात एकदम गलत है। मैं उन्हें फ्री में ट्रोल क्यों कर रहा। अद्वैत चंदन के इस बयान से साफ लग रहा है कि उन्होंने कंगना रनौत और बॉयकॉट करने वाले लोगों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट पर सवाल उठाते हुए आमिर को इसका मास्टरमाइंड बताया था। कंगना ने कहा था, मुझे लगता है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिव बातें हो रही, वो खुद मास्टरमाइंड आमिर खान ने अपना दिमाग लगाकर शुरू किया। इस साल अभी तक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल को छोड़कर कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई सिर्फ साउथ इंडियन फिल्में ही अच्छा कर रहे, या फिर वो फिल्में जिनमें लोकल फ्लेवर है। कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, एक हॉलीवुड रीमेक फिल्म वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन अब वो भारत को असहिष्णु कहेंगे। हिंदी फिल्म मेकर्स को दर्शकों की नब्ज को समझने की जरूरत है। ये हिंदू या मुसलमान होने के बारे में नहीं है। आमिर खान जी ने हिंदू फोबिक पीके बनाए और भारत को असहिष्णु देश बताया और अपने जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्में दी। कृपया इसे धर्म या विचारधारा से जोड़कर बताना बंद कर दें। ये उनकी खराब एक्टिंग और खराब फिल्मों से अलग बात है। बता दें कि आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। आमिर और करीना अपने पुराने बयानों की वजह से ट्रोल हो रहे। जहां सालों पहले आमिर ने कहा कि उनकी वाइफ को भारत में डर लगता है, वहीं करीना ने कहा था कि आपको हमारी फिल्म्स देखने के लिए कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है। अब ये दोनों अपने इन्हीं बयानों की वजह से लोगों के निशाने पर आए हुए। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।